हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ये एक पत्ता सिर्फ 5 मिनट में आपकी 20 साल पुरानी डायबिटीज को करेगा कंट्रोल, अल्जाइमर, जोड़ों का दर्द, यूरिन प्रॉब्लम, सिर दर्द से दिलाएगा छुटकारा। रात को अच्छी नींद सोना है तो जरूरी है आपको किसी भी तरह का तनाव ना हो, आपका मन पूरी तरह से शांत हो, आप सुकून महसूस करें, लेकिन ज्यादातर ये हो ही नहीं पाता। दिन भर चाहे आप दफ्तर में रहे या कॉलेज जाएं या फिर घर के कामों में उलझे रहें, तनाव तो हो ही जाता है। तनाव यानी स्ट्रेस, ये तनाव आपको रात को सोने नहीं देता और कभी कभी तो ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि आप सारी रात करवटे ले लेकर बिता देते हैं और आपको नींद ही नहीं आती। ये आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अगर आप छोटी सी कोशिश करें तो आप तनाव को मिनटों में दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक तेज पत्ता चाहिए। तेज पत्ता हर किसी की किचन में बड़े ही आराम से मिल जाता है। ये सिर्फ 5 मिनट में आपके तनाव को दूर करने की क्षमता रखता है। एक रशियन साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी भी की है और पाया कि यह हमारे तनाव को दूर करता है। यही वजह है कि तेज पत्ते को एरोमाथेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तेज पत्ता त्वचा की बीमारियों और सांस से संबंधित समस्याओं को भी ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तेज पत्ता मधुमेह, अल्जाइमर्स, बांझपन, खांसी जुखाम, जोड़ों का दर्द, रक्तपित्त, दांतों के सफाई, सर्दी जैसे अनेक रोगों में उपयोगी है। ये हमेशा हरा रहने वाले पेड़ तमाल वृक्ष के पत्ते हैं। इसको तमाल पत्र, तेज पात या तेज पत्ता भी कहते हैं। तेज पात मसाले के रूप में बहुत ही प्रयोग में लाया जाता है। यह सिक्किम, हिमालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पैदा होता है। तेज पत्ते के पेड़ से पत्ते तोड़कर धूप में सुखाकर पंसारी की दुकानों पर बेचे जाते हैं। तेज पत्ते में दर्द नाशक एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। तेज पत्ता तीक्ष्ण, मधुर, उष्ण, चिकना और तेलिया होता है। आयुर्वेद में अनेक गंभीर रोगों में इसके उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको एक तेज पत्ता लेना है, उसे किसी कटोरी में जला लेना है। अब इसे कमरे के अंदर लाकर 15 मिनट के लिए रख देना है। आप पाएंगे कि तेज पत्ते की खुशबू पूरे कमरे में भर गई, साथ ही आपको कमरे का माहौल भी काफी सुकून वाला लगेगा। कुछ देर इस कमरे में आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आपको अपने अंदर सुकून बहता हुआ महसूस होगा और आपका तनाव झट से कम होने लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा तेज पत्ते के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आइए जानते हैं उन फायदों के बारे में। मधुमेह में तेज पत्ते के प्रयोग। दोस्तों, तेज पत्ते को पीसकर बहुत ही बारीक चूर्ण बना लें। इसकी 1 चम्मच हर रोज 3 बार पानी से फंकी लेने से आपका मधुमेह शीघ्र ही कंट्रोल में आ जाएगा। आपके अंदर जो रक्त शर्करा है वो जल्दी से घट जाएगी। रात को 1 चम्मच तेज पत्ते का पाउडर एक कांच के गिलास में डालकर 3/4 गिलास पानी से भरकर चम्मच से अच्छी तरह से मिला लें और इसे ढककर रख दें। सवेरे उस गिलास के पानी पर जैली जैसी परत जमी हुई दिखाई देगी। इस परत को हटाकर फेंक दीजिए और पानी को मलमल के कपड़े से छानकर आप इस पानी को पी लें। इसके बाद आधा घंटा कुछ भी ना खाएं पिए। रात को पिसी हुई हल्दी का 1/2 चम्मच सोते समय 1 कप पानी में घोलकर पी लें। इसके बाद ठंडा पानी या दूध ना पिए। यह प्रयोग लंबे समय तक करते रहें, आपका मधुमेह कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा ये स्मरण शक्ति वर्धक और अल्जाइमर्स में भी उपयोगी है। तेज पत्ते को हर रोज खाने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और अल्जाइमर्स की बीमारी पर नियंत्रण रहेगा। माँ बनने का सुख। कभी कभी किसी स्त्री को गर्भ धारण नहीं होता और बांझपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी को गर्भ ठहरने के बाद गर्भस्राव हो जाता है। तेज पत्ता दोनों ही समस्याओं को दूर करता है। तेज पत्ते का पाउडर 1/4 चम्मच 3 बार पानी से हर रोज फंकी लें। कुछ महीने तेज पत्ते की फांकी लेने से गर्भाशय की शिथिलता दूर होकर गर्भ धारण हो जाता है। जिन स्त्रियों को गर्भस्राव होता है वे गर्भवती होने के बाद इसी प्रकार तेज पत्ते का पाउडर की फांकी कुछ महीने लें। इस प्रकार तेज पत्ते से गर्भ संबंधी दोष दूर होकर गर्भ धारण में सहायता मिलेगी। सिर दर्द में उपयोगी। सर्दी या गर्मी किसी भी कारण आपके सिर में अगर दर्द हो तो तेज पत्ते को डंठल सहित पीसकर हल्का गर्म करके ललाट पर लेप कर दें। दर्द में आपको आराम
मिलेगा। दांतों की सफाई, सूखे तेज पत्तों को बारीक पीसकर हर तीसरे दिन एक बार मंजन करें। इससे आपके दांत चमकने लगेंगे। जुखाम और खांसी से राहत, तेज पत्ता कफ जन्य रोगों को ठीक करता है। चौथाई चम्मच तेज पत्ते का पाउडर की गर्म पानी से हर रोज 3 बार फांकी लेने से सर्दी जुखाम और खांसी ठीक हो जाती है। तेज पत्ता और छोटी पीपल समान मात्रा में पीसकर आधा चम्मच चूर्ण को 1 चम्मच शहद में मिलाकर 3 बार चाटने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जोड़ों का दर्द, मूत्रल और ज्वर या बुखार में सहायक, तेज पत्ते के 4 पत्ते 1 गिलास पानी में उबालें। उबलता हुआ पानी आधा रहने पर छानकर हर रोज 3 बार पिए। इसे पेशाब अधिक आता है, ज्वर या बुखार पसीना आकर उतर जाएगा और दोबारा से बुखार भी नहीं आएगा। इससे बदन का दर्द भी ठीक हो जाएगा। रक्तपित्त या रक्तस्राव में सहायक, मुंह, नाक, मल मूत्र, किसी भी रास्ते से रक्त निकलने पर 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ तेज पत्ता मिलाकर हर 3 घंटे के बाद पिलाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। सर्दी के रोगों में लाभकारी, सर्दी से शरीर में दर्द, नाक में सुरसुराहट, छींके आना, पानी गिरना, सिर में भारीपन, जलन, गला बैठना, ये सब होने पर 10 ग्राम तेज पत्ते को कूटकर तवे पर सेक कर रख ले। इसका 1 भाग 2 कप पानी, स्वादानुसार दूध, चीनी मिलाकर चाय की तरह उबाल लें और इसे छानकर हर रोज 3 बार पीने से सर्दी वाले रोग ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जो कोई भी लोग इन नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, उनको दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वे घर में ही उपलब्ध दालचीनी या तेज पत्ता, इन सभी चीजों से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। अगर दोस्तों आप भी इन नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो आप भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।